हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बंडा की सब्जी। बंडा की सब्जी के 2 से 3 रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम बिल्कुल अलग अंदाज में ये सब्जी बनाने वाले हैं। और जैसे आपने पहले वाली सारी रेसिपी को अपना प्यार दिया है, सारा उस सबको सपोर्ट किया है, बना करके खा के आपने कमेंट किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी ज़रूर से ट्राई करिएगा, बनाइएगा, खा के उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। ये बंडे की रेसिपी जो हमने नई तरीके से बनाई है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इसके छिलके को निकाल लेते हैं। छिलके को निकालने के टाइम एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा कि इससे हाथ में खुजली होती है, इसलिए हाथ में सरसों का तेल हल्का सा लगा करके उसके बाद इसके छिलके को अलग करिएगा, उसके बाद इसको कट करिएगा। नहीं तो उसके बाद भी अगर आपको खुजली होती है तो थोड़ा सा हाथ में नींबू का रस लगा लीजिएगा तो खुजली ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ हम ग्रेवी में डालने वाले हैं प्याज। 7 बड़ी बड़ी साइज की हमने प्याज ली हुई है, क्योंकि ग्रेवी हम प्याज की बनाते हैं और प्याज की क्वांटिटी हमेशा ही ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि सब्जी जो है प्याज से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाता है। प्याज के साथ जो मसाले पड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद लाते हैं और प्याज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, हमने बंडा को काट दिया है, बंडे को हमने गोल शेप में काटा है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हम सरसों का तेल प्रयोग कर रहे हैं। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं अपने किचन में उसको डाल करके फ्राई करिएगा, लेकिन एक बार सरसों का तेल भी ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्वाद। बंडे को हम अच्छे से भूनेंगे, और ऐसा नहीं कि इसको हम तुरंत तल करके निकाल देंगे, हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे। कलर जब अच्छा सा ये चेंज हो जाएगा, उसके बाद जब इसकी सब्जी बन करके तैयार हुई है तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पनीर की सब्जी हम खा रहे हैं, बहुत ही। तो हाई फ्लेम में थोड़ी थोड़ी देर पे इसको फ्राई करते हुए हम बंडे के कलर को बढ़िया सा चेंज करेंगे। बंडा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए इसकी सब्जी ज़्यादातर खाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। ये देखिए, फाइनली हमारा बंडा जो है फ्राई हो करके तैयार हो चुका है। कलर की बात करें तो एकदम अच्छा सा कुरकुरा सा हो गया है, और जब इसकी सब्जी बनके तैयार होगी ना तो एकदम मुंह से पानी आएगा आप लोगों के, सब कोई बहुत ही खुशी से खाएगा। ज़रूर से इसको बनाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि कैसे लग रही है आपको ये सब्जी। अब हम थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि प्याज की क्वांटिटी हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है ना, तो उसको भुनने के लिए ऑयल भी चाहिए। अब इसमें 1 छोटी चम्मच पचफोरन ऐड कर देते हैं। छौंक में हम फोरन का प्रयोग ज़रूर करते हैं, इससे अच्छा लगता है और खाया जाता है ये, क्योंकि इसमें मेथी दाना होता है, सौंफ होता है, अजवाइन होती है, सारी चीज़ें जो भी होती है वो फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, इसलिए छौंक में प्रयोग किया जाता है। प्याज को एकदम बढ़िया से कुक करेंगे, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, तो इसके लिए प्याज का कलर भी चेंज होना चाहिए और अच्छे से भूनना चाहिए। अब हम मसाले को पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले में हमने क्या क्या लिया हुआ है। मिर्चा लिया है हमने 7 से 8, 1 बड़ी चम्मच गोल मिर्च लिया है, इसके साथ ही 1 हमने लिया हुआ है काली वाली इलायची, जीरा 1 बड़ी चम्मच, लहसुन लिया है हमने, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और इसमें हमने लौंग भी डालेंगे, 6 से 7 हमने लौंग लिया है, और 1 बड़ी चम्मच धनिया। इनको पीस लें, फिर हम सब्जी में ऐड करेंगे। प्याज देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से हमने इसको भून लिया है, और अब पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। मसाला हम आपको बता चुके हैं क्या क्या हम डाले हैं इसमें, वही चीज़ें डाल करके बनाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के डाल देते हैं हम, क्योंकि मसाला उसमें लगे होते हैं और मसाले को भूनने के लिए हल्का सा पानी डाला जाता है, वरना मसाले चिपकने लग जाते हैं। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दें, स्वाद अनुसार नमक, हम खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच के लगभग नमक डाल रहे हैं, और हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंधा नमक ही खाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसको हम बढ़िया से तो मिला चुके हैं, अब हमें मसाले को पकानी है, क्योंकि मसाले पीस के डाला गया है। पिसे हुए मसाले को जितना हम हमेशा बताते हैं कि जितना आप इसको भूजेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन जलाना नहीं है। जब ऑयल निकलने लग जाए तो समझ जाइए कि मसाले आपके भून करके तैयार हो चुके हैं, अब उसके बाद उसको ज़्यादा मत भूजिएगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस करना शुरू कर दीजिएगा। तो हम भूनने के बाद दिखाते हैं आपको।
अब हम पानी ऐड करेंगे। 2 ग्लास हम इसमें पानी डाल रहे हैं। हम इसे सूखा सूखा बनाएंगे, बिल्कुल मतलब गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा सूखा एकदम भुजिया नहीं करेंगे और ना ही रस्सेदार बना रहे हैं। तो 2 ग्लास आप देख सकते हैं, 2 ग्लास पानी हम डाल दिए। अब इसमें हम ये देखिए मिला लिए इसको, तो अब डाल देते हैं बंडा जो हम फ्राई करके रखे हुए हैं, और धीरे धीरे अब इसको ऊपर नीचे मिला देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे इस स्टेज पे बिल्कुल हाई कर दीजिए। 1 मिनट इसको ढक देते हैं ताकि बंडा मसाले को अच्छे से ऑब्जर्व करे। अब सब्जी को हम खोल चुके हैं और 1 बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और बंडा, कन्ना, इस तरह की सब्जी बनाने के लिए आपको खटाई का प्रयोग ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हाथ कट करता है उसी प्रकार से जीभ में भी खुजली होती है, तो इसीलिए इसमें खट्टा चीज़ें ज़रूर डालना चाहिए। या तो आप नींबू का रस डाल दीजिए या फिर आमचूर पाउडर डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। बड़ा ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन करके तैयार हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी सब्जी को हमने अच्छे से सुखा करके कुछ इस प्रकार से इसका लुक कर दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है और सब्जी बहुत ही बेहतरीन बन करके तैयार हो रही है। अब हम गैस को ऑफ करने वाले हैं, अच्छे से इसको पहले खटाई को मिला लें। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फाइनली हमारी सब्जी चटपटी सी, स्वादिष्ट सी और स्वाद से भरपूर, उतना ही स्वास्थ्य से भरपूर है ये सब्जी। और ये सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज़ हमारे यहाँ हेल्दी हेल्दी स्वादिष्ट स्वादिष्ट उसकी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को जैसे आपके स्क्रीन पर आए उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए और उसको देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।